लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से विपक्ष एक साथ एक ही मंच पर नजर आने वाला है। रांची में आज इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित उलगुलान न्याय रैली की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के पोस्टर रैली ग्राउंड में लगाए गए हैं। तमाम बैनर और पोस्टर से रैली ग्राउंड को सजा दिया गया है। इसी कड़ी में जेएमएम नेता महुआ माझी ने कहा, इंडिया गठबंधन एक साथ है तो इस रैली की सफलता का हमें पूरा विश्वास है। जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। ये बहुत बड़ी रैली है और मुझे नहीं लगता कि झारखंड में इतनी बड़ी रैली कभी हुई होगी। और स्वतः लोग आ रहे हैं इस महारैली में, क्योंकि यहाँ पे चूंकि माननीय हेमंत सोरेन जी की बात है और जनता उनके लिए उमड़ पड़ रही है और इंडिया गठबंधन एक साथ है, तो इस रैली की सफलता का हमें पूरा विश्वास है। और सभी लोगों को जो माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ है, जो अन्याय के खिलाफ है, वो आज इस रैली में आपको दिखेंगे। पूरे देश भर के तमाम नेता आ रहे हैं और झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। देखिए, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जनता सब जानती है और जनता देख रही है। बस जनता को, जनता के सामने खड़ा होना है, दिखाना है कि जनता हमारे साथ है। और ये उलगुलान एक क्रांति है। झारखंड उलगुलान के लिए हमेशा से जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने भी उलगुलान किया था और हमेशा अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, जो आज इस देश में हो रहा है, जो भी अभी हमारी केंद्र में जो पार्टी है, वो हमेशा आप देख रहे हैं कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको किस तरह से तंग कर रही हैं, उनके लोकप्रिय नेताओं को किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमारे झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ जो हुआ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ वही हुआ, इस तरह से लगातार इस तरह का प्रयास जारी है, उसी के खिलाफ ये उलगुलान है, ये महारैली है, ये न्याय यात्रा है। अब जहां एक तरफ सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड से बीजेपी नेता प्रतुल चौधरी ने विपक्ष की होने वाली उलगुलान रैली पर जमकर पलटवार किया और कहा कि उलगुलान आदिवासियों के संघर्ष से जुड़ा एक बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन ये तो भ्रष्टाचारियों का, परिवारवादियों का महाजुटान है, इसे उलगुलान कहना बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, उलगुलान आदिवासी अस्मिता से, आदिवासियों के संघर्ष से जुड़ा बहुत पवित्र शब्द है, जिसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने 1895 से 1900 के अपने आंदोलन में जिसका प्रयोग किया था। और ये तो भ्रष्टाचारियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, परिवारवादियों का महाजुटान है, इसे उलगुलान कहना बिल्कुल उचित नहीं है। अब देखिए ना, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। सनातन को गाली देने वाले लोग आ रहे हैं, जो साउथ इंडिया को अलग राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं वो लोग आ रहे हैं, जो सुरक्षा बलों से कश्मीर में रेप करने का आरोप लगाते हैं उस दल का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही बड़ी मुहिम से ये सारे भ्रष्टाचारी और परिवारवादी डर गए हैं और इस तरह का नाटक करके लोगों में संदेश देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश को मोदी पसंद है, 400 से बड़े मार्जिन से हम फिर से सत्ता में लौट रहे हैं। कोई जुटान हो जाए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता।